सर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ से खिसक रहा हूँ क्योंकि कल इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। पशुपति जीता तो खुशी से मरेगा, हारा तो गुस्से से मरेगा। कुछ भी हो, मरना तो मुझे सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं हेलो संयुक्ता देवी के आदमी गांव वालों में पैसा बांटने के लिए 5 लाख रुपए लेके निकले हैं। सच में? और नहीं तो क्या? क्या बात है, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ सर? तुम्हारी आंटियों को अरेस्ट करके पशुपति को इम्प्रेस करने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। तुम्हारे आंटी के लोग आम लोगों में 5 लाख बांटने निकले, मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ। मैंने जोक सुनाया क्या? सर मेरी आंटी बहुत स्मार्ट है, वो तो 5 लाख रुपए के चक्कर में आपको उलझा कर इसी रूट पर करोड़ों की हेराफेरी करेंगी। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? आपको यकीन नहीं है क्या? गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे लगेगा। सबकी तरह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना? सर उल्लू की इंसल्ट मत कीजिए, वो देखो आ रहे हैं। तुम्हारी आंटी मॉडर्न जमाने की शूर्पनखा है, इसको गैर कानूनी काम करने से मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मॉडर्न जमाने का विभीषण हूँ। तुम देख दे जाओ क्या होता है। सर ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही है, इसे रोकेंगे कैसे? समझो रोक लिया, अब मेरा बट देखो। Santa, अरे ये तो आर्डिएस है, भागो। अरे ये तो पशुपति के लोग हैं। पशुपति के आदमियों को भाड़े पे लेके तुम्हारी आंटी क्या भंगार का बिजनेस कर रही है? ओए माँ, इस पर तो पशुपति की फेसबुक वाली सेल्फी। क्या बात कर रहा है? हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे मेरा माल रुकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तू नहीं बचने वाला समझा? वो गलती से मिस्टेक हो गई। आप अपनी घटिया चाल के बारे में मुझे बता तो देते, मैं खुद जाकर आपका काम कर देता। तू पुलिस ही है ना? अब तो मैं अपनी वफादारी साबित करके ही रहूंगा, उसके बाद ही आपके सामने आकर आपको मिठाई खिलाऊंगा। अबे चल पंचर निकालने में मदद कर। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अबे पिक्चर खत्म होने वाली है, अब तो कुछ काम कर ले। तू तो कर। भाई उस आरडीएक्स ने गांव भर में लिफाफे बांट दिए। दूर खड़े रहो ना, तोता मैना की तरह चोंच लड़ा रहे। ये ट्रक की चाबी, बोलो। ये आपके कवर मैंने सब लोगों में बांट दिए हैं, कुछ लोगों को दो दो दिए हैं ताकि वो आपको जाली वोट भी दे सकें। ये जो बचे हुए कवर हैं, इनमें जो पैसे बचे हैं उसे जमा करके आप 4 जोड़ी नए कपड़े सिलवा दीजिएगा। इन्हें तुम रख लो। ठीक है, मैं पर्दे में से शर्ट सिलवाऊंगा। सर जी क्या हुआ? आपने गलती से साड़ी में फोटो तो नहीं खिंचवाई थी क्या? अरे आपके आदमी 100-100 किलो के, लेकिन उनका दिमाग 100 ग्राम तक का नहीं है। एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, हर लिफाफे में आंटी की फोटो है, आपकी फोटो नहीं है, तो वोट उन्हीं को मिलेगी ना। पंचर कैसे बदल गया? वो मुझे क्या पता, हमारा ट्रक पंचर हो गया था, फिर मैंने टायर चेंज किया, फिर उस कटारे को गांव लेकर गया, फिर जैसे ही मैं लिफाफे बांटने जा रहा था। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे, तुम जाके बांसुरी बजाओ। ओके। तो ये उन बेईमानों का काम है। बता साले मेरे बच्चे कहाँ गए? छोड़ूंगा नहीं उसे, इलेक्शन हो जाने दो। हम जीतेंगे ना पापा। मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, उसका समधी जरूर बनूंगा, उसको धूल चटा के उसका गुरूर तोड़ूंगा। हेलो बोलिए मामा। हाँ जी, कहाँ हो? जैसा आपने कहा, मैं ट्रकों में गुंडे ला रहा हूँ। सीधे संयुक्ता के घर जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ध्यान रहे, उसको तुम्हारे बारे में पता ना चले, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। समझ गया मामा। मुझे वहाँ 5,000 लोग दिखने चाहिए, उन्हें कैसे और कहां से लाना है तुम देखो। इंतजाम हो जाएगा भाई। अब या तो आर या पार, लेकिन उससे पहले मैं उस पुलिस वाले से निपटूंगा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तुम बस लड़कियों को लेने आ जाओ। ओके अंकल, तुमने क्या सेट कर दिया? मैंने पीछे का दरवाजा खुला रखा है और लड़कियों को प्रोग्राम समझा दिया, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो जल्दी आओ। शुक्र है। पर मम्मी क्या कहेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, पशुपति इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा, तुम्हारी माँ बहुत ही जिद्दी है, उसकी जिद के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। जाओ बेटी चली जाओ। पर पापा भाई इसमें जाओ। अरे हम लोग माया को यहाँ से भेजकर अच्छा किया, हमने भी लड़कों को यहाँ बुलाया है अपनी बेटियों को यहाँ से ले जाने के लिए। हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान भरोसे।
घर के बाहर तो ऐसी भीड़ लगी हुई है जैसे कोई सेल लगी हुई हो। अब लड़कियों को कैसे भगाएंगे? पता नहीं। कौन हो तुम लोग? हमें अंकल ने भेजा है। ओ, मुझे भी अंकल ने ही भेजा है। आ जाओ, चलो अंदर चलो। मामा दिखने में ढीले डाले से लगते हैं पर प्लानिंग उनकी सॉलिड है। देखो कितने लोगों को बुलाया है यहाँ पे। बहस करने का वक्त नहीं है, घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, कोई मजाक है क्या? पापा ने यहाँ भेजा और तुम घर वापस भेज रहे हो। मैं अब तय करके आई हूँ, चलो हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आंटी मुझसे नफरत करती हैं, ये करूंगा तो नफरत बढ़ जाएगी, फिर ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। मेरी बात मानो माया। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। ये कैसा सिग्नल है? सिग्नल नहीं है, हिचकी है। ए, नाक बंद करने से हिचकी नहीं, सांस बंद होती है। पता है, मैं इसका मुंह बंद कर रहा हूँ, अगर इसका मुंह खुला तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। एक सेकंड रुक। ये ले पानी। इतना मत भर, निकालेगा कहाँ? वो यहां नहीं है, संजय के पास गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहां भेजने की? अंदर क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हें मालूम है क्या प्रॉब्लम है? क्यों चिल्ला रही है ये? भाई फ्रिज में और भी बोतलें थी क्या? नहीं, सिर्फ एक ही बोतल थी। तभी तो मैडम को लगा पति पानी पी गया। उन्हें ठंडा पानी पीने की आदत है ना, इसलिए चिल्ला रही है। बेटी की खुशी के लिए हिम्मत नहीं बल्कि दिल में प्यार होना चाहिए। अब तुम भी मुझसे बगावत पर उतर आए। मैं कहती हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, ये गुस्से से उंगली क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो बॉटल भर के रखना भूल गए ना, इसलिए धमकी दे रही है। तुम सत्या गए हो क्या? क्या हुआ, सब ठीक है? इन्होंने माया को संजय के घर भेज दिया। मैं होती तो भी यही करती, कम से कम वो तो खुश रहे। तुम तो कहोगी उसे 9 महीने मैंने कोख में पाला है, इसलिए दर्द मुझे ही होगा। बेचारी भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पीकर गुजारा कर लेती और तू सारा पानी पी गया। लेकिन किसी को पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है। खुद की बोतल से पिया होता तो, अब उसकी बोतल से पिया तो पाप तेरे सर। लेकिन भाई दिया तो तुमने था ना। तुझे जहर देंगे तो पी लेगा क्या? माया चली गई, तुम जानते हो? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो पगार क्यों बाकी लेते हो? जब तक चोर नहीं मिलता तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। पानी पिया है, कोई खून तो नहीं किया ना? फिर भी मैं उसके पैरों में पड़कर माफी मांग लेता हूँ। मैडम गुस्से में अभी मत जा, नहीं तो जान से मार डालेगी। मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, अब पता नहीं क्या करने गई है। क्यों मार रहे हो? मैंने इससे पहले ही कहा था पानी खरीद ले, पानी खरीद ले, मगर ये नहीं माना, नहीं माना। छोड़ो मुझे। दीदी रुक जाइए। अरे क्या कर रही हो? जाने दो मुझे, जाने दो। खड़े रहो, अभी माफी नहीं मिली तो मुझे मौत मिल जाएगी। हटो हटो। लेकिन तुम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था एक ही बोतल है, मुझे माफ कर दीजिए। आप जिसे गोली मारना चाहती हैं वो पापी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अपने दो आदमी और है, उन्हें भी बचा लीजिए ना। अरे तो किसकी बात कर रहा है? उन दोनों की। पकड़ो उन्हें, वो मेरे आदमी थोड़ी है, उसके आदमी है। कहाँ है तुम्हारी बेटी, मेरी होने वाली बहू? वो यहाँ नहीं है, वो संजय के पास चली गई है। उस दिन वादा करके आज उसे मुकर रही हो, यही था तुम्हारा प्लान? उस दिन तुम्हारे बाप को मारने के बाद अगर मैं तुम्हें भी मार देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बेटे मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अरे मारो से रोको अरविंद, आपके जीते जी मैं एमएलए नहीं बन सकता। लेकिन उन्हें मारा मैंने, जैसा मैंने चाहा, तुम्हारे बाप की गद्दी भी हासिल कर ली। उस दिन से आज तक एमएलए मैं ही रहा हूँ, लेकिन आज तक लोग मुझे तुम्हारा नौकर ही बुलाते आए हैं, पर आज के बाद मैं तुम्हारा समधी कहलाऊंगा। अगर मैं हारूंगी तो ना? तू मरेगी तो भी। Oh, my God.
ये तो खाएगा। खा लिया। मेरे पापा के लिए श्यामनाथ जी भगवान थे। मेरी आंटीज को उन्होंने बहन जैसा प्यार किया, उन्हें नाजों से पाला, एक भी खरोच उन पर नहीं आने दी, और उन पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की। किसी जमाने में पानी की जगह दारू से नहाता था मेरा मामा, और आज उसी पानी के लिए उसकी धुलाई हो रही है। गुनाह मैंने क्या है? मुझे मारिए, मुझसे क्यों मारिए? इसकी फाइट देखकर चाइना का कंग फू याद आ गया। ये है असली मर्द। इसे ऐसे फाइट करना मैंने ही सिखाया है। 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें भी एक डेमो दिखा देता हूँ। देखो वो हमारे लिए चांद पर खेल कर लड़ रहा है। मेरा तो दिल करता है कि इससे अपनी बेटी की शादी करवाओ। उसे ले आए। मैंने गांव वालों के सामने बोला था मैं जल्द ही कंधों पर सवारी करके आऊंगा। अब नीचे उतर। मुझे मारने के लिए पकड़े मिल गए। इन दोनों ने जब भी मेरी मदद की है हमेशा मेरा पत्ता काटा है। एक एक रुक जा, मैं मार दूंगा इसे। तो मार देना। कैसा आदमी है, कुछ परवाह नहीं तेरी। ये एक नंबर का कमीना इंसान है। पहले इसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी, फिर ऊटी में मेरी नौकरी भी छीन ली थी, अब मेरी जान जा रही है वो भी इसी की वजह से। क्या सॉलिड पीस है। क्या कहा? ए, मैं लकड़ी की बात कर रहा था, आप भी कम नहीं है। उनकी हिम्मत तो देखो, पुलिस वाले को ही बांध दिया। मुझे अपनी लाइफ का सच्चा प्यार यहाँ क्लाइमैक्स में आके मिलेगा, सोचा नहीं था। और इसकी चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल सुना था, प्यार का रोल तगड़ा है। ये प्यार का रोल मैं रोज खाना चाहता हूँ।